अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो टुडे आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना फेस शेव कर सकते हैं तो और उसके बहुत से बेनिफिट्स भी है। तो पहले हम करेंगे क्लींस। मैं अपने फेस पे नहीं बसा सकती तो इसलिए मैं अपने हाथ के थ्रू अपने हैंड्स पे आप लोगों को डेमो दूंगी। आपको बताऊँगी किस तरह से मैं करती हूँ। तो पहले मैं क्लींस करती हूँ अच्छे से, फिर मैं टॉवल से इसको क्लीन करती हूँ। लेट इट ड्राई, क्लीन इट एंड आफ्टर दैट जॉनसन्स का जो बेबी मसाज ऑयल होता है वो आपने ले लेना है। 1000 रुपीज़ तक आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, सुपरमार्केट से मिल जाएगा। तो इस तरह से कॉस्मेटिक वालों के पास भी होता है। इससे आपने अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीनिंग के बाद रब कर देना है। अच्छा, हेयर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। इस आपको मार्केट में इस तरह के दो तरह के रेजर मिलेंगे, टू टाइप के। एक इस तरह का स्मूथ वाला होता है, आप इसको पेंग दें। ये अगर इस तरह मिले तो वो अच्छा है, तो ये वाला आप यूज़ करें। उससे बहुत ज़्यादा कट्स लग सकते हैं बहुत, और आप मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता शेविंग। और इस वाले से जो ये zigzag टाइप है इसे बहुत अच्छी तरह हो जाता है। यू कैन सी इस तरह से आपने अपने फेस को अच्छी तरह से आईब्रोज पूरा फेस अच्छी तरह से कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपका डेड स्किन रिमूव होगा, स्मूथ लुक आएगा। मेकअप के लिए भी आपका फेस रेडी होगा, स्मूथ होगा। और आई कैन सी अ वेरी चेंज इन माई स्किन आफ्टर शेविंग। मैंने अपने स्किन को बहुत अच्छी पाया शेविंग के बाद। एंड यू कैन सी कि अब जहाँ पे बाल है वो स्मूथ इतना नहीं है, जहाँ पे बाल नहीं है वो कितना स्मूथ हो गया है। एंड यू कैन सी ये इस तरह से। फिर आपने एक ये कॉटन पैड ले लेना है और उस पर अपना जो रेजर है इसको अच्छी तरह से साफ करना है, फिर करना है जहाँ जहाँ पे आपको आपके फेस पे बाल हो आपने वहाँ वहाँ पर इस तरह से कर लेना है। ठीक है, अब हो गया मेरा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फेस पे मैं ले लेती हूँ ब्राउन शुगर और उसमें मैं ऐड कर लेती हूँ बेबी ऑयल, यही वाला जो मैंने अभी यूज़ किया है फॉर शेविंग। उसमें इसमें मैं ये यूज़ कर लूँ तो ब्राउन शुगर नहीं है तो आप आम वाइट शुगर का पाउडर बना के वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसको फिर अपने फेस पे अच्छी तरह से रब कर दे। इससे क्या होगा, जो पोर्स ओपन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और स्मूथनेस से करना है। डेड स्किन कम्प्लीटली मतलब इट्स एन टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएट करना है स्किन को और बहुत स्मूथली करना है, ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं करना। और शेविंग के बाद अगर या आप ये एक्सफोलिएशन कर लें ये घर में तो ओह माय गॉड, इट गिव सच अ ग्लोइंग स्किन। एंड यू कैन सी मेरा हाथ कितना पहले कैसा था अब कैसा हो गया, मतलब इट गिव यू अ चेंज।